से जी टीवी ने हमारे पारिवारिक दर्शक ध्यान में रखते हुए अलग अलग रिश्तों के अलग अलग लेयर्स की अलग अलग कहानियाँ कही है। और यहाँ मैं घर घर खेली इस शो के साथ सूरज जी से भी हमारा जी टीवी का एक बहुत करीबी रिश्ता जुड़ गया है। उसी का अगला पड़ाव मतलब ये सूरज जी का जी टीवी का नया शो आपके सामने आने वाला है। सूरज जी जाने जाते हैं लार्जर देन लाइफ स्केल अप, और फिर भी अपनापन अपने हर कलाकृति में आपके सामने लेके आते हैं, चाहे वो फिल्म हो या टेलीविजन शो हो। और इसी परंपरा का ये अगला शो सूरज जी पेश करने जा रहे हैं जी टीवी चैनल पर। जी टीवी ने 25वें साल में प्रवेश किया हुआ है और इस वर्ष में ऐसे अनेक सरप्राइजेस इनोवेशंस हम दर्शकों के सामने पेश करने जाएंगे। ये जो शो है ये उसका एक अगला पड़ाव है। तो मैं चाहता हूँ और निमंत्रित करता हूँ सूरज जी को मंच पर और वो इस शो के बारे में आपसे बातें करें। लेट्स वेलकम सूरज जी। थैंक यू सो मच दीपक जी। कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो तुरंत कहानियों में बन जाती हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं तो जो कभी बनते ही नहीं कहानी, और कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो कभी माइंड से जाते ही नहीं। हम निकालते हैं वापस आते हैं, निकालते हैं वापस आते हैं, और ऐसे आप दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर साइकी। तो ये जो एक प्रोजेक्ट है ये मेरे साथ 8 साल से रहा है, जिया है मैंने इसे, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ मी, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स इफ नॉट दी फेवरेट। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जी का, पुनीत जी, आकाश जी, दीपक जी, रोहिणी, जिन्होंने इस पे फेथ रखा और आज उस स्थिति पे हूँ कि मैं आज इस बारे में बात कर सकता हूँ। जी के साथ एक अलग ही सोल का रिश्ता है क्योंकि सब फिल्म हमारी राष्ट्रीय की जी के साथ है। आज भी हर हफ्ते में जब मैं देखता हूँ, 25 साल हो गए मैंने प्यार किया, हम आपके कौन को 20 साल, आज भी लोग जब मुझे मिलते हैं और दीपक जी जब उस फिल्म को याद करते तो इट्स बिकॉज ऑफ जी, बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो ये दिस इज़ माई ऑफरिंग टू जी, समथिंग विच इज़ वेरी मच क्लोज टू मी। अगर इस शो के बारे में जो पिया अलबेला है, ये जो शो के बारे में अगर मैं कहूँ, तो अगर हम फेबल में जाएं तो विश्वामित्र जी ने तप किया था कि मैं एक नया हेवन बनाऊंगा, और इंद्र जी ने एक मेनका को चुना कि धरती पर जाओ और उनकी तपस्या को भंग करो। तो मेनका ने रूप लेकर के धरती पे कदम रखा और विश्वामित्र जी की एकाग्रता जो है वो हटी जब उस रिझाने का स्वरूप देखा। लेकिन जो तप है वो भंग तब हुआ जब मेनका को सच्चा प्यार हुआ विश्वामित्र से। ये शायद किसी को मालूम नहीं, हमने हमेशा मेनका को एक ऐसे रूप में देखा कि बुरी है, खराब है, बट उसने सच्चा प्यार किया तभी तपस्या भंग हुई। वो प्यार की शक्ति थी और तब जन्म हुआ एक शकुंतला का। तो वो प्योर सोल शकुंतला इज द ब्लेसिंग ऑफ ट्रू लव। तो कहीं वो प्यार को ध्यान में रखते, वो रिश्ते को ध्यान में रखते हुए एक हमारा एक प्रयास है। आज के दौर में हम सुनते हैं कि लोग बोलते हैं कि लड़के जो है वो बिगड़ रहे हैं, कोई पार्टी बहुत करता है, कोई सुबह उठता नहीं है, काम पे नहीं जाता, पैसे ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, तो लोग बोलते हैं कि शादी कर दो, सेटल हो जाएगा। और अगर हम कोई लड़के को लें जो बिल्कुल बिगड़ा ही नहीं हो, जो बहुत अच्छा है, हर चीज़ सही है, सुबह जल्दी उठता है, जल्दी सोता है, ना फेसबुक, ना कोई फ्रेंड, और अगर ऐसे अच्छे लड़के को थोड़ा सा बिगाड़ने के लिए अगर किसी लड़की को बुलाया जाए तो क्या हो? तो ये जो हमारी कहानी है वो एक परफेक्ट कॉमर्स स्टूडेंट लड़की को बुलाया जाता है एक
स्पिरिचुअल लड़के को बदलने के लिए। सो ये कहानी है पिया अल्वेला। और आज सब बैठे मेरे साथ आशीष जी हमारे डायरेक्टर, संजय जी डीओपी, फातिमा, राहुल, सुरभि, मेरे संग देवांश, हम सब अल्वेला ही हुए हैं ये शो बनाने के लिए, क्योंकि इसमें सबसे विचित्र होगा ये बॉय। एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन, 8 साल का सब बोलते जाऊँगा, बट दिस इज ऑल फॉर 6th व्हेन वी मीट अगेन। एंड आई वुड लाइक टू एवरीवन टू सी द टीजर। कैन वी स्टार्ट? This is Darini from Telechaka.com. The promo, the teaser looks very interesting, but thoda confusion. Can you enlighten a little bit about the project? I've been just told not to say too much. But just of it. Actually, if you see spirituality today, लोग बोलते हैं बिगड़ रहे हैं बच्चे ये हैं, पर अगर आप जैसे हमारा ऑफिस सिद्धि विनायक के सामने है, आज भी आप सिद्धि विनायक में देखो तो कितने यंगस्टर्स आते, क्यों आते हैं? सो इट्स अ रॉन्ग फैलेसी दैट स्पिरिचुअलिटी इज ओनली फॉर एजेड टुडे। सो हमारी कहानी एक लड़के की है जो किंडल पे है, जो ही इज इन बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एवरीवेयर, बट अ बॉय इज स्पिरिचुअल। और आज स्पिरिचुअल होना शायद माँ नहीं समझ पाती, उसके फादर नहीं समझ पाते, तो समझाने के लिए एक दोस्त को लाया जाता है। तो वो जो दोस्त है वो एक गर्ल है, शी इज़ अ कॉमर्स ग्रेजुएट, फॉर हर इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। और फिर एक रिश्ता बनता है, एक दोस्ती बनती, और वो है लड़की जो समझती है अल्वेलापन। सो एक्चुअली इट इज़ अ वेरी सिंपल स्टोरी, अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी, समथिंग विच आई अश्योर हैज़ नेवर कम ऑन टेलीविजन, एंड दैट्स आर वे टू प्रेजेंट दिस लव स्टोरी। सो मेनका विश्वामित्र इज ऑल दैट वॉज इन माई माइंड वेन आई रेड इट, आई स्टडीड इट। लोग बोलते हैं विश्व मेनका ने भंग की, बट शी लव्ड दैट मैन। सो इट इज जस्ट अ इंटरप्रिटेशन दैट मेनका विश्वामित्र इन टूडेज फॉर्म। सो दैट इज वे दिस इज पी आर दे। क्योंकि मुझे लगता है ये जो टॉपिक है, दिस रिक्वायर्स मच मोर टाइम देन अ 2 आवर फिल्म। जब हम एक लड़के को पकड़ते हैं जो ये बोलता है, जब अगर उसके फादर उसको ये बोलते हैं कि तुम में और बाकी लड़कों में क्या फ़र्क है, तुम्हें मालूम है? ही सेज़ क्या फ़र्क है डैड, फ़र्क सिर्फ इतना है कि शायद मैं पहले जाऊँगा, शायद वो पहले जाए। तो ये जो बातें हैं, ये 2 घंटे में कहना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इसके लिए एक धारावाहिक चाहिए, एक 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 समय चाहिए ये पॉइंट कहने के लिए। इस एक चीज और सुरेश जी पूछना चाहेंगे, आजकल टीवी में जहां नाग नागिन और अंधविश्वास वाले सीरियल चल रहे हैं, उसमें प्रेम कहानियां नहीं खोती जा रही, तो आप इस तरह की कहानी ला रहे हैं, तो किस तरीके की सोच अप्रोच आपकी रही? 8 साल से आपके साथ भी प्रोजेक्ट है, तो टीवी के कंटेंट को किस तरीके से देख रहे हैं आजकल? मैं ये मानता हूँ कि टीवी में आज कुछ अलग चाहिए, कुछ नया चाहिए। ऑडियंस इज़ राइजिंग, और अच्छी कहानी हो, पैशन हो, और कोई हम ऐसी बात कहें जो सबलाइम लव, जो प्योर लव को छुएं, तो क्रेडिट दैट्स वाई इज़ विद दीपक जी एंड इस टीम की, उन्होंने हमें ये फेथ दिया कि प्लीज़ मेक व्हाट यू वांट टू मेक। सो मैं मानता हूँ कि लाइक फिल्म, लाइक टेलीविजन, एनी फॉर्मेट, इट इज़ द स्टोरी, इट इज़ स्टोरी टेलिंग। एंड ड्रामा वही है, हमें सब 9 रस देने हैं, सब रस देने हैं, अलग किस्म की ऑडियंस, सब जगह अलग अलग हैं, बट अगर वो प्यार में, अगर आप प्यार की ऊंचाइयां और रिश्तों की गहराइयां अगर छू सके, तो फिर वो हर मीडियम में वो कहानी चलती है। सूरज जी, रिसर्च क्या रही इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आपने वन लाइनर तो दे दिया है, लेकिन ये धीरे धीरे एपिसोड वाइज और आगे बढ़ेगा, तो क्या रिसर्च है और किस तरीके से इसको? रिसर्च तो की नहीं कुछ, अब आप देखेंगे फिर पता चलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इतने शोज कर लिए, फिल्म कर लिए, इतने रिसर्च भी कर लिए, क्या पब्लिक को पसंद आता है, कुछ कोई कुछ नहीं कह सकता। मैंने बनाई, मैंने प्यार किया। अभी मुझे अभी भी याद है कि एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था, दीपक जी 2 मिनट लेता हूँ, एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था, कबूतर जा, सब ने बोला ये कोई गाना है, सब ने, ए टू जेड सब ने बोला गाना। फिर मेरे फादर ने विविध भारती पे लगाया, पहली बार गाना आया तो मुझे याद है चांदनी की पिक्चर चल रही थी, हम लोग
अपना बैनर देखने गए तो एक मुस्लिम जेंटलमैन, अभी भी फेस मुझे याद है, वो आके बोलते इनका कबूतर कहाँ है। ओवरनाइट चेंज हुआ पोस्टर और कबूतर लगाया गया। तो क्या पब्लिक को, यू नेवर नो, देयर इज नो रिसर्च एक्सेप्ट इट हैज टू टच समवन्स हार्ट, दैट्स ऑल ऑनेस्टली। एंड सूरज जी, आजकल कुछ भी बनता है, कोई भी शब्द आता है तो आपत्ति जताने वाले कई लोग हो जाते हैं। जैसे आपने विश्वामित्र का जिक्र किया, मेनका का जिक्र किया, तो अगर इस समाज के लोग आए और आपसे कुछ जिरह करें तो आप उसके लिए तैयार? ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक पर्सपेक्टिव देने की, तो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू सोसाइटी, ऑब्वियसली, डेफिनेटली। और इस चीज में जी टीवी भी सूरज जी के साथ खड़े रहेंगे। सूरज जी, कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑन व्हाट ग्राउंड यू जीरोड ऑन द स्टार कास्ट, द लीडिंग लेडी एंड द लीडिंग मेल ऑफ द शो? ये साल भर लगा हमें, साल भर लगा। और बेचारा जो लड़का है वो तो तैयार होते होते अब तो बिल्कुल ही इज बिकम अ विवेकानंद, बट इवन द गर्ल हैज बीन वर्किंग। तो ये दिस इज जस्ट लाइक अ फिल्म ऑनेस्टली फॉर अस, इट्स नॉट इवन अ शो टुडे इज जस्ट लाइक अ फिल्म, बट जैसे फिल्म में तैयारी होती है तो ये साल भर की तैयारी है जो अब करेक्ट टाइम पे सबके सामने आएगी। सुरती, जैसे मेरे कलीग ने कहा, क्योंकि एक यू नो सेंसिटिव, कहीं हम लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेनका की बात करूँ या विश्वामित्र की बात करूँ, वाइल डायरेक्टिंग इट, यू नो व्हाट आर द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, कि ये इतना ही रहना चाहिए या इतना ओवर नहीं जाना चाहिए, इट हैज टू बी दैट सटल। इसीलिए मैंने दीपक जी से कहा था, या तो ये मैं डायरेक्ट करूँगा या आशीष जी करेंगे, बैठे हैं मेरे सामने हमारे डायरेक्टर। ये जो हमारा शो है इसमें विश्वामित्र मेनका सिर्फ एक रूपक के तौर पर है, सिर्फ एक सिमिली या मेटाफर जो भी आप कहें उस तौर पे हैं। बेसिकली आज की कहानी है, ये बेसिकली आज के दो बॉय गर्ल की कहानी है जो किसी के घर में भी हो सकती है। सो एक्चुअली इट्स नॉट अ हिस्टोरिकल, इट्स नॉट आज का कंटेम्प्रेरी मेनका विश्वामित्र, सिर्फ वहाँ से एक इंस्पिरेशन है, एक बीज है, तो इसलिए इन द टीजर दैट हैज बीन शोन। सो वी स्टार्ट विद ऑनेस्टी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आशीष जी, यू नो व्हाई यू डिडंट डायरेक्ट इट? मैं करता तो ये 4 साल ऐसे ही निकल जाते, एंड ही वुड नॉट गिव मी द टाइम, नो बजट, नथिंग। एंड ऑनेस्टली आई वर्क विद आशीष जी, सो समटाइम्स यू नो दैट व्हाट यू वांट समवन विल गेट। आई हैव अ वंडरफुल क्रिएटिव डायरेक्टर, क्रिएटिव हेड, सो दिस इज वेयर, एंड आई एम देयर, एंड इट्स अ टीम वर्क, यू नो। सूरज जी, जब कोई सीरियल शुरू होता है तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से, लेकिन वो फिर नेवर एंडिंग हो जाता, चलते ही जाता है, तो इसमें आप किस तरह से इसको बांध के रखेंगे, कैसे करेंगे? हाँ, ये मैं मानता हूँ हम लोगों ने भी बनाए सीरियल और उसको खींचा है, तो ये तो इट इज़ बिजनेस, बट आई थिंक नाउ वी ऑल प्रोड्यूसर्स हैव लर्नड द लेसन्स दैट कहानी ख़त्म होती है तो रोको। तो आई टोटली अंडरस्टैंड मैम, एंड इट इज़ अ फैक्ट वी शुड, बिकॉज ऑडियंस अपना टाइम दे रही है, वक्त दे रही है, सो आई गेस वी विल ऑल्सो हैव टू स्टॉप वंस द स्टोरी इज़ ओवर। ये जो पिया है ये अलबेला है, ये मलंगा है, और अगर इसके हमारा गाना है मलंगा चोला, ये कहाँ से लाया तू मलंगा, कहाँ जाए तू, ये हमारा जो गाना है, तो रंग काचा काचा तेरे मन पे चढ़े ना, सच्ची लगन कभी हार्ट में बिके ना, ऐसा सच्चा मन जोगी लाया तो कहाँ से मलंगा, जाए तो कहाँ रे। तो इसमें जो एक लड़का है वो ऐसा अलबेला है कि उसके मन पे आज का जो कांचा रंग है, जो कच्चा रंग आज चलता है, वो तो चढ़ता नहीं, और उसकी जो सच्ची लगन है वो किसी मार्केट में बिकती नहीं, तो कहाँ जाएगा। तो ये जो अलबेलापन है, दिस इज अलबेला विच हैज़ अ रोमांस अंडरटोन टू इट ऑल्सो, सो दिस इज पिया अलबेला। I just wanted to understand which time slot are you bringing this show and which show will be replaced by this? So 6 फरवरी को हम फिर से मिलने वाले हैं इसकी डिटेलिंग के लिए, और अधिक जानकारी 6 तारीख को ही दे पाएंगे हम लोग, क्योंकि अभी अगर सब कुछ कहें तो 6 तारीख के लिए और नई चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, नई कहानियाँ नहीं समझेगी, तो प्लीज़ वेट टिल 6th of February। And would there be more fiction launches after this? Absolutely, yes. We'll talk about all those fictions when we plan to launch and in those exclusive press conferences of those individual fictions. Okay. Thank you. Thank you.
एनी फर्दर क्वेश्चन गाइस? सुरज जी अगर कोई फिल्म का भी निर्माण करने वाले हैं तो उसका भी जिक्र कर दें चलते चलते. अभी मुझे मारेंगे दीपक जी बिकॉज ऑलरेडी मैं ज्यादा बोल गया बट करेक्ट टाइम पे मैं बताऊंगा. लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि फिल्म का भी उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन वो जिस तरीके से इस शो के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस वजह से जनरली एक परसेप्शन होता है कि चैनल के लोग जो होते हैं, प्रोग्रामिंग टीम जो होती है, वो ढंग से काम करने नहीं देती है. लेकिन इस प्रोजेक्ट से या अभी जो हम लोग जो भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली पी आर विला से सूरज जी का जो एक विजन है उससे हम सब जुट गए. और जिस तरीके से डिटेलिंग का काम, एस्थेटिक वैल्यू का काम, वैल्यू प्रपोजिशन का काम, हर एक चीज़ में, वो चाहे विजुअल हो, एक सीन हो, कैरेक्टर्स के नाम हो या उनके बाकी कैरेक्टर्स का टेक हो, कहानी के हर हिस्से में जिस तरीके से वो डिटेलिंग से और एस्थेटिक वैल्यू से और फैमिली वैल्यू प्रपोजिशन से काम कर रहे हैं, हम सब लोग सीख रहे हैं. एंड सर, इट इज एंड इट विल बी अ एक्साइटिंग जर्नी विद सूरज जी. वी आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स एंड ही हिमसेल्फ इज इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस शो, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि 8 साल से ये प्रोजेक्ट वो जी रहे हैं और हम वी आर क्या कहते हैं, हमारा भाग्य है कि ये प्रोजेक्ट हमारे चैनल पे आ रहा है. ओके सूरज जी, जैसे जैसे सर ने कहा कि यू नो चैनल वाले उतना इंटरफेरेंस रहता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एज यू सेड जस्ट राइट नाउ राइटली, यू नो, क्या आपने जब ये शो किया, ये शो पे काम कर रहे हैं, आशीष को जिस तरह का इंटरफेरेंस रहा, अमूमन होता है क्रिएटिव आ जाते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे शूट करिए और ये नहीं ये करिए, वो पाबंदी, वो यू नो लिबर्टी खत्म हो जाती है क्रिएटिव आदमी की, उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है जी ने, सब प्रोग्रामिंग टीम यहाँ बैठी है, तो इसलिए आई बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, आई बिकम मोर हम्बल्ड. और ये अब मेरी जीत है, मेरी हार है जो ये शो जी पे आएगा. सो एक्चुअली आई एम बीइंग स्पॉइल्ड, दैट्स इट. Bringing international shows to India. So will we see Z bringing any international series to India on Z? अभी फिलहाल हमारे इंडस्ट्री में जितने प्रोड्यूसर्स हैं, सूरज जी जैसे सीनियर प्रोड्यूसर्स हैं, तो अभी फिलहाल तो हमें कोई ज़रूरत नहीं लग रही है. बाकी चैनल्स का मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारे पास काफ़ी कुछ अच्छी कहानियां हैं, अच्छे स्टोरी टेलर्स हैं और अच्छा टेक्निक है, तो अभी फ़िलहाल तो हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और शायद ये नहीं जाएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि बहुत सारा कहने जैसा अपने देश में ही अपने लेखकों के पास बहुत सारी कहानियां हैं, अलग अलग रिश्तों की कहानी है, तो अभी फिलहाल तो जाने का नहीं सोचा है. माय क्वेश्चन इज फॉर सूरज जी. सर, आई बिलीव शो के लिए मराठी एक्टर अक्षय एंड शीन दास, दे हैव बीन रोप्ड इन टू प्ले द लीड्स, सो व्हाई नॉट पिक समवन फ्रॉम द पॉपुलर फेसेस एंड व्हाट मेड अप, यू नो, उस उन लोग में इतना क्या यूनिक था दैट दे यू गेव देम द अपॉर्चुनिटी टू be part of the show? This I have to talk on 6th. Yeah. I'm not supposed to talk because we are going to be introducing them. Okay. So meri bhi aap sabse request hai ki ye naam please aap out mat kijiye. Aapke resources se aapko pata chalte honge, lekin 6 tarikh tak please ye surprise rakhiye aur unse bhi milkar unse bhi apni apni stories kaise casting hua, humne kaisi mehnat ki, ye 6 tarikh ke baad bahut sara kehne ke liye aapke paas bhi hoga, kyunki हम लॉन्च की डेट भी डिक्लेयर करने वाले, तो उस दौरान भी आपके पास कहने के लिए बहुत सारा मटेरियल है, तो अभी प्लीज आप ये आउट मत कीजिए ना. आप कम से कम ये तो मानते हैं हम सब काम करते हैं, वी आर लाइव. एब्सोल्युटली, हमें आपसे ही जानकारी मिलती है आजकल. थैंक यू सो मच. गुड कॉन्टेंट, गुड स्टोरीज टोल्ड इन टूडेज फैशन, और हमारा जो पारिवारिक दर्शक है हमारे, उन सबको अलग अलग शो से या एक शो से भी अपने लिए अपनापन मिले और वो कनेक्टेडनेस महसूस हो, दिस इज द ओनली कंटेंट स्ट्रेटजी. क्या भाई, इट वाज ऑलवेज लाइक दैट. वीकेंड नॉन फिक्शन हुआ करता है, वीकडेज फिक्शन ही हुआ करते हैं. फिक्शन इज अ फ्यूचर इन अ वे.
So we'll talk on any other thing in that particular show. We have met only for PR Vera, please I request. So आपको बहुत बार मिलना है हमें अगले कई महीनों में. बहुत सारा प्रोग्रामिंग चेंज हो रहा है और उसके बारे में बार बार मिलते रहेंगे. तो उस प्रोग्राम के बारे में उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आपसे इंटरेक्शन जब होगी तब जरूर बताएंगे. देयर इज अ स्ट्रेटजी लेकिन मैं आज उसके ऊपर नहीं जाना चाहता. थैंक यू सो मच. Government introducing the budget on 1st February. What is your expectation from this budget? This is for me. I am not an expert in terms of budget. बजट के बारे में होता तो आई वुड नॉट हैव मेड सच एक्सपेंसिव मूवीज 5 इयर्स में वन. वी आर हैप्पी वेयर वी आर. लेकिन सर डीमोनेटाइजेशन के बाद बहुत रेवेन्यू गिरा है, पूरे इंडस्ट्री लॉसेस में जा रही है, लेबर्स कम हुए हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से? ये धीरे धीरे रिकवर हो रही है ये परिस्थिति फॉर श्योर, और वो आगे जाकर और अच्छी सिचुएशन आ जाएगी, अच्छे दिन आएंगे, ऐसा हमारे केंद्र सरकार का ही प्रॉमिस है. तो आ जाएंगे. जी का रेवेन्यू भी गिरा है इसके बजट से. सभी ब्रॉडकास्टर्स का रेवेन्यू गिरा हुआ है, सिर्फ जी का नहीं. लेकिन ये परिस्थिति सुधर रही है. देयर इज अ प्रोग्रेशन, देयर इज अ डेवलपमेंट एंड चीजें फिर से अपने दौर पे आकर सेटल हो रही है. लेकिन उसकी वजह से हम किसी भी चीज में कुछ कमी नहीं छोड़ रहे, ना प्रोड्यूसर्स, ना चैनल्स, ना ब्रॉडकास्टर्स. सो जी टीवी भी उसमें कोई कमी नहीं छोड़ रहा. सर मैं उस पर एक्सपर्ट नहीं हूँ. और लेट अस टॉक अबाउट ओनली पीआर वेला प्लीज. थैंक यू वेरी मच. जो पीआर वेला जब 8 साल से जो मेरे साथ पास में कहानी है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक बेस है जो मुझे लगता है सबको बहुत पसंद और नया आएगा वो है स्पिरिचुअलिटी. क्योंकि लोग अक्सर मुझे बोलते हैं कि आजकल के युवक बिगड़ रहे हैं, ये हैं, वो है, कोई मॉरल नहीं, कुछ नहीं. बट जितना वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा हैं इस समय, उतने कभी नहीं थे. चाहे वो वेदांता हो, चाहे वो ईश्वर की खोज हो, ईश्वर के अस्तित्व की खोज हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, तो ये चीज़ बहुत अलग लगेगी इस शो में, कंटेम्प्रेरी लगेगी. और अगर मैं ये कहूँ कि एक लड़का है जो स्पिरिचुअल के पाथ पे है, और अगर लड़की को बुलाया जाता है कि थोड़ा बिगाड़ो, तो क्या कहानी बनेगी? तो ये एक आज की कहानी, एक कॉमर्स स्टूडेंट है जिसमें इससे मैथमेटिक्स है, और एक स्पिरिचुअल लड़का है, और एक दोस्ती की कहानी है. हमेशा से जो आपकी फिल्मों में फैमिली ड्रामा देखा जाता है, आपके सीरियल्स में भी, जैसे अभी एक सीरियल जो चल रहा है, तो इस सीरियल में भी क्या ऐसे एक्सपेक्ट करेगी ऑडियंस? हाँ जी, पूरा. क्योंकि जहाँ राष्ट्रीय का सवाल है वहाँ पारिवारिक चीज़ें तो होती हैं. तो एक परिवार है, हर परिवार अपने अपने एंगल से, हर कैरेक्टर उसी उतनी ही वैल्यू रहेगा, तो सब रस रहेंगे, चाहे वो श्रृंगार हो, विरह हो, जो हर कॉमन आदमी को ये देखने जो चाहता है वो सब रहेगा. सूरज जी, आपका कभी कभी, क्योंकि 8 साल बहुत बड़ा वक्त होता है किसी एक किरदार पे, एक शो के लिए काम करना, कभी आपकी किसी से ऐसे मुलाकात हुई है जो इस तरह का किरदार कभी टकराया है कि भाई बहुत ही धार्मिक है और इस तरह की मुलाकात हो रही है? बिल्कुल, या बिल्कुल बहुत. जीवन से कितने लोग मैं जानता हूँ, स्पेशली यंगस्टर्स, इतने यंगस्टर्स हैं जो जिन्होंने प्लास्टिक छोड़ा हुआ है, जो यहाँ से बम्बई में नहीं, मैं नहीं रहता बॉम्बे में, मैं पुणे में हूँ, वहाँ से करता हूँ. कितने लोग हैं जो बेच के मड आइलैंड, कितने म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जो मड आइलैंड शिफ्ट हो गए, नहीं वहीं मैं काम करता हूँ. तो एक लोग उसे रिबेल कहते हैं, कई लोग समझ नहीं पाते इन लोगों को. और अगर मैं कहूँ तो श्री विवेकानंद क्या थे, अगर आप श्री विवेकानंद की जीवनी पढ़ें, तो ऐसा तो सेज मैंने देखा नहीं, मैंने पूरा पढ़ा है. तो ये आज के विवेकानंद हैं, ये आज के विश्वामित्र हैं, आज के युवक हैं, जिनको एक मंजिल, एक खोज है, और वो खोज रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें. आपको लगता है इस शो के बाद लोगों का नजरिया बदलेगा जब हम यंगस्टर की बात करते हैं कि
अरे वो तो यू नो वो तो अलग जिंदगी जीते हैं, डिस्को में पब में वक्त गुजारते हैं. डू थिंक इट चेंज द यस इट विल इट ऑफ यू इट विल देयर आर क्वेश्चंस एंड यंगस्टर्स के जो क्वेश्चन है दे नीड टू बी आंसर्ड. यू कैन नॉट नाउ से कि ये ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन इज बीइंग क्वेश्चन. तो ये एक स्पिरिचुअलिटी की बात हम करेंगे इसमें, और कैसे स्पिरिचुअलिटी जो है वो आज संसार में रह कर के आपको मेंटेन करना है. ओके सूरज जी द लास्ट वन, यू नो व्हाट हैपेंड विद संजय लीला भंसाली इन जयपुर, बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, यू आर देयर नस इज सो लॉन्ग, यू नो यू डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन, इवन दैट इट डजंट नीड. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? यू नो डू यू थिंक फिल्म मेकर्स आर ऑलवेज सॉफ्ट टारगेटेड, एंड ही इज बीन टारगेटेड ट्वाइस बिफोर, यू नो बिफोर द टाइम व्हेन ही वाज मेकिंग जोधा अकबर ही वाज टारगेटेड बाय द सेम करनी सेना, एंड द सेकंड टाइम ही वाज मैन हैंडल्ड somebody like, you know, somebody like संजय लीला भंसाली, you know, the national award winner, he get man handled. What's your take on that, sir? I'd only say that it's very unfortunate, क्योंकि हम सब क्रिएटिव लोग हैं, और एक क्रिएटिविटी की रिस्पेक्ट भी हो, हाँ ट्रेडिशंस की भी रिस्पेक्ट हो. तो हम लोगों ने तो हमेशा ये मेंटेन किया है कि सबको साथ में लेके चलें, जस्ट लाइक अ फैमिली. तो मुझे लगता है कोई भी क्वेश्चन हो तो आपस में समझौता करके ही सॉल्व होता है. तो ये एक हम सबके लिए सीख है कि सबको साथ में लेके चलें, सबके सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करें, एंड दैट इज़ द वे अहेड. थैंक यू.